नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। देखिए, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि और करवा चौथ के बाद जो 5 दिवसीय महापर्व का हमें इंतजार था वो आज से शुरू हो गया है, यानी कि आज धनतेरस से इसकी शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस के बाद आएगी दीपावली। और दीपावली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करके हम इस 5 दिवसीय महापर्व को मनाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे कई विद्वानों या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में कई ज्योतिषियों के वीडियो या रील वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लक्ष्मी जी की पूजा के बाद उनकी आरती नहीं करनी चाहिए। इसका कारण ये है कि लक्ष्मी जी चलायमान होती है। अगर आप उनकी आरती करते हैं और आरती करके खड़े हो जाते हैं तो वैसे ही लक्ष्मी जी भी आरती करके खड़ी हो जाती हैं और वो आपके घर से चली जाती हैं। इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए कि ये सही है, गलत है या जो भी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार अभिजीत जी, नमस्ते जी। सबसे पहला सवाल यही है, सोशल मीडिया जिसे हम सोशल यूनिवर्सिटी भी कहेंगे, अब इस पे क्या कहा जाए? आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ करके जो लोग ज्ञानी हो रहे हैं, बिल्कुल उनके विषय में मैं तो कुछ नहीं कहूं तो ही मेरे लिए अच्छा है। नहीं, यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, तुरंत आदमी ट्रोल होने लगता है, वो ये कब किसको ट्रोल कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसी बातें सुन करके और आप जो बता रहे हैं उनको, मैंने तो नहीं देखा, मैं देखता भी नहीं हूँ ऐसे सिद्धांत अपसिद्धांत पदार्थों को, लेकिन ऐसी आ रही है कि देश के वास्तव में लोगों की मति मारी गई है क्या? ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो चल रही है चीजें कि आरती नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी चलायमान है, और ये मतलब कहाँ तक ये चीजें, शास्त्रों का इसके लिए क्या कहना है? देखिए, आरती जो शब्द है बस संस्कृत के मूल शब्द का अनुवाद, मतलब उसी का अपभ्रंश जैसा है। संस्कृत में एक शब्द है नीराजनम, उसी को नीराजना, आरात्रिकम, आरार्तिकम, यह एक ये संस्कृत शब्द हैं जिनका अर्थ है दीपादिना प्रतिमादेह आरार्तिकम परिभ्रमणम। तात्पर्य है दीप जलाकर जब प्रतिमा के चारों ओर घुमाया जाता है, उसका परिभ्रमण करवाया जाता है प्रतिमा के यहाँ, तो उसको हमारे यहाँ आरती बोलते हैं। अब ये आरती कितनी पुरानी परंपरा है, संस्कृत के ग्रंथों में नीराजना विधि ही कालिदास प्रयोग कर रहे हैं, महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में आरती वेद के अंदर वेद मंत्रों का विनियोग किया पुराणों ने कि इनसे आरती की जाती है। और आरती कहते किसको है? देखिए, आरती यदि इसमें र को आधा कर देंगे तो आरती शब्द का मतलब हो जाता है दुख, और आरती र जब पूरा कर देते उसका अर्थ हो जाता है भगवान की आरती। तो अब तात्पर्य यह है कि आरती पूजा की जो विधि है, जो व्यवस्था की गई है अभिजीत जी शास्त्रों में, उस शास्त्रीय व्यवस्था का एक अंग है। हमारे यहाँ पूजा के अलग अलग विधान है, जैसे पूजा का मतलब होता है उस पूजा के विधान समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और पर्वों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पूजा की जाती है तो हम लोग प्रारंभ में क्या करते हैं, जैसे भगवान का आवाहन करते हैं, फिर उनको आसन प्रदान करते हैं, आसन के बाद उनको पाद्य अर्घ्य आचमन, ये 5 चीजें हो गई। उसी प्रकार से फिर उनको स्नान करवाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, कुमकुम लगाते हैं। कुमकुम लगाने के बाद यदि कहीं यज्ञोपवीत देवताओं के चढ़ता है, कहीं नहीं चढ़ता है तो वह चढ़ाते हैं, और कुमकुम लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, उनके सुगंधित परिमल द्रव्य चढ़ाते हैं, इत्र इत्यादि लगाते हैं जो सुगंधित तैल है, धूप दिखाते हैं, वामे धूपम दक्षिणे दीपम, दाई ओर देवताओं के, अपने दाई ओर नहीं देवताओं के दाई ओर दीपक जलाते हैं, सम्मुखे नैवेद्यम सामने भगवान के भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद में आचमन करवाते हैं, उसके बाद ऋतुफलम ऋतुफल भगवान के चढ़ाते हैं, और मुख भूषणम तांबूलम समर्पयामि नमः, भगवान के तांबूल जो पान का पत्ता है नागवल्ली, उस पर एला यानी इलायची और लवंग यानी देव पुष्प देव कुसुम लौंग रख करके चढ़ाते हैं, उसके बाद दक्षिणा समर्पित करते हैं। दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? पूजायाः पूजा में जो भी अतिरिक्त तो हो गया या न्यूनता रह गई, पूजा में कोई भी व्यक्ति भगवान की संपूर्ण पूजा नहीं कर सकता, तो उस न्यूनता को पूर्ण करने के भाव से हम लोग भगवान के दक्षिणा चढ़ाते हैं। और सबसे अंत में जो चीज आती है वह आती है आरती। आरती शब्द का मतलब है आरार्तिक्यम अहम कूर्वे
पश्चमे वरदो भव, हे भगवान मैं आपकी आरती करता हूं, इस आरती को आप देखिए और मेरे को आप वर देने वाले हो जाइए। अब आरती शब्द के प्रति जो भावना है, देखिए केवल वर्तिका अर्थात जो फूल बत्ती से हम लोग आरती करते हैं, केवल उससे ही आरती नहीं होती है, चार पांच आरतियों के अलग अलग पदार्थ हैं जी। बत्ती को जला करके अग्नि से आरती होती है, पुष्पों से आरती होती है, वस्त्र से आरती होती है, उसके अतिरिक्त फलों से आरती होती है और केवल हाथ जोड़ करके आरती होती है। ऐसे चार पांच प्रकार आरती के शास्त्रों ने बताए। अब इसमें आनंद की बात यह है कि ये जो कुछ पता नहीं क्या होता जा रहा है कि शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है और मन मर्जी उल जुलूल जो मन में आता है वो बताते रहते हैं, और उससे नुकसान किसका होता है, हानि होती है वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले हमारे वैदिक सनातन धर्मावलंबियों की, जो इस प्रकार की बातों को सुनते हैं और उनके मन में वास्तव में हम लोग भी सुनते हैं तो हमारे चित्त में भी जब संशय या संदेह उत्पन्न हो जाता है तो हम लोग तो चलो गुरु जी के चरणों में बैठ के दो अक्षर पढ़े तो उसका निराकरण कर लेते हैं, लेकिन जो संस्कृत भाषा से बहुत परिचित नहीं है, शास्त्रों से जो परिचित नहीं है और वैदिक सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनको ये कंफ्यूज करते हैं ऐसे लोग। जबकि मैं आपको एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाता हूँ अगस्त्य संगीता का जी, वहां लिखा हुआ है कार्तिकस्य अमावस्याम, कार्तिक मास की अमावस्या में क्या करना चाहिए, लक्ष्म्या नीराजनम कृतम, लक्ष्मी देवी की जिसके द्वारा आरती कर ली गई है। अब आप देखिए लक्ष्म्या नीराजनम कृतम, लक्ष्मी जी की आरती कर ली गई है तो होता क्या है, सप्त कोटि सहस्राणि 7 करोड़ वर्षों तक विष्णु लोके सतिष्ठति, वह भगवान विष्णु के पति, वह माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। अब आप बताइए ये शास्त्र का वाक्य स्पष्ट रूप से कार्तिक की अमावस्या में प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद में आरती का विधान करता है, नीराजन का विधान करता है, और ये लोग इस प्रकार से उल जुलूल बातें फैला रहे हैं, ये एकदम गलत है और इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। दीपावली हमारा सबसे बड़ा पर्व है, एक तरीके से दीपोत्सव पर्वराज है, दीपालिका दीपमालिका दीपोत्सव दीपावली, इस दिन बहुत ठाड़ से माता लक्ष्मी जी का पूजन करके जो भी स्तोत्र आते हैं उनका पाठ करते हुए, नहीं आते तो भी ओम महालक्ष्मी नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र भगवती लक्ष्मी को प्रणाम करने के लिए, इस मंत्र का जप करते हुए लक्ष्मी जी की सविधि आरती करें। अब आरती करते कैसे हैं ये मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ लिखा है कि आरती करते समय तो घंटा ध्वनि होती रहनी चाहिए। घंटा ध्वनि क्यों करते हैं, घंटा जो होती है उसको हमारे यहाँ गरुड़ घंटा बोलते हैं, घंटी के ऊपर गरुड़ जी महाराज विराजमान रहने चाहिए। आजकल मैंने कई जगह देखा गरुड़ जी के स्थान पर अन्य कोई प्रतिमाएं भी बनाने लग जाते हैं, वो बहुत शास्त्रीय नहीं है, और कई लोग गणेश जी बना देते हैं, कई लोग कुछ और नंदीश्वर बना देते हैं, ये ठीक नहीं है। गरुड़ जी महाराज को ही बनाने का कारण क्या है गरुड़ घंटा के ऊपर, क्योंकि वेदात्मा विहगेश्वर, आलवंदारे स्तोत्र में भगवान यमुनाचार्य जी लिख रहे हैं कि जो गरुड़ जी महाराज हैं वे वेदात्मा हैं, वे जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामगान की ध्वनि होती है। अतः तात्पर्य यह होता है कि वेदात्मा गरुड़ जी महाराज के जब उड़ने से उनके पंखों से वे वेदात्मा हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि होती है। अतः हमारी यह मान्यता है कि हम जब गरुड़ घंटा का नाद करते हैं तो गरुड़ जी महाराज, हम लोगों को तो मंत्र नहीं आते हैं, पता नहीं हम शुद्ध बोलते हैं अशुद्ध बोलते हैं, लेकिन गरुड़ जी महाराज जो वैनतेय हैं, वे जो तार्क्ष्य हैं सुपर्ण हैं, उनके पंखों से जब वेद ध्वनि निकलती है उससे भगवान की आरती के समय वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। अतः गरुड़ घंटा बजाते हुए दक्षिण हाथ में आरती लेकर के सबसे पहले चरणों में, फिर भगवती के मस्तक की तरफ, और 7 बार संपूर्ण आरती को घुमाते हुए 14 बार में पूरी आरती करनी चाहिए। उसके बाद में आरती को नीचे रख करके शंख से भगवती की आरती करनी चाहिए। शंख भगवती लक्ष्मी के भाई भी है, शंख भी समुद्र से उत्पन्न होते हैं, और देखिए ये हमारे यहाँ आनंद की बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि जो पांचजन्य शंख है भगवान के साले हैं, और साले का कितना महत्व होता है कि भगवान शंख को सदा अपने हस्त में धारण करते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों ने विनोद किया कि भगवान लक्ष्मी जी के कारण शंख को इतना महत्व देते हैं। और एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज गलत चल पड़ी है, लोग आरती कर देने के बाद में पता नहीं कहां से सीख गए कि पहले भगवान को आरती देते हैं, ये गलत है। आरती स्वयं लेनी चाहिए, भगवान को कभी आरती नहीं देनी चाहिए। लोग गलत करते हैं, लोग भगवान को आरती देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं शास्त्रीय रूप में कह रहा हूं। आरती के पीछे भावना ये है
कि हम जिन भगवान राम कृष्ण गणेश जी महादेव जी माता जी लक्ष्मी जी जिन भी देवता का हम पूजन कर रहे हैं, हे भगवान आपके ऊपर कोई बाधा नहीं हो, आपका सर्वविध सौभाग्य हो, आपको सदा सुख मिले, और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कष्ट है आशंका है, हे भगवान हम आपके भक्त हैं, सारे कष्ट हमारे हम झेल रहे हैं, हमारे ऊपर आ जाए, आप सुखी। ये भक्ति की उड़ान है, ये भगवान के प्रति समर्पण की भावना है, ये भगवान के प्रति शरणागति प्रपत्ति का महत्व है। इसका विचार करके आरती, कभी ऐसे लोग क्या करते हैं आरती लेके पहले भगवान को देते हैं फिर आरती लेते हैं, ये गलत है। ये आरती ऐसे कभी नहीं देनी चाहिए भगवान को, आरती सदा लेनी चाहिए। तो ये तो आपने बताया शास्त्रों के अनुसार कि लक्ष्मी जी की आरती या किसी भी पूजा में विधि के बाद में आरती करनी चाहिए, लेकिन अब जो मिथ हमें सुनने को मिल रहे हैं वो ये है कि लक्ष्मी पूजा के दौरान या दीपावली के दिन गणेश जी की आरती कर ली जाए या जगदीश जी ओम जय जगदीश हरे जो हम करते हैं वो आरती करी जाए, लेकिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ जी, कि ये जितनी आरतियां हैं जी ये बहुत पश्चातकालीन रचनाएं हैं जी, अर्थात ये जितनी भी आरतियां हैं ये आरतियों का इतिहास बहुत समृद्ध नहीं है। मूलतः जो आरतियां हैं इसलिए हमारे यहाँ पूजा में ब्राह्मणों की पुरोहितों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि आरती जो है वो हिंदी वाली तो बना दी, ठीक है किसको अच्छा लगा होगा, उन्होंने आरतियां बना दी कि वो जय गणेश देवा। इन आरतियों का बहुत सुदीर्घकालीन इतिहास नहीं है, ये आरतियां बहुत अर्वाचीन है, बहुत पश्चातकालीन है। इसीलिए हमारे यहाँ वेद मंत्रों से आरती होती है, हमारे यहाँ पौराणिक मंत्रों से आरती होती है। आरती की यह जो सुदीर्घ समृद्ध परंपरा अब हो गई है, यह वास्तव में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज से 700 वर्ष पूर्व, जो मैं बता रहा हूँ अभिजीत जी, सबसे पहली आरती कब बनी? जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने 14वीं शताब्दी में सबसे पहली आरती का निर्माण किया देशज भाषा लोक भाषा में, जिससे सामान्य लोग भी संस्कृत पर लोग भी जो संस्कृत नहीं जानते वे भी आरती कर सके, और वह आरती है आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकटन झापे। यह हनुमान जी की आरती को हिंदी साहित्य के महान विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वामी रामानंदाचार्य के द्वारा विरचित माना है। इस आरती की तर्ज पे पिछली शताब्दियों में आरतियां बनती रही, और अब तो ग्रहों की, नक्षत्रों की, और पता नहीं किन किन की आरतियां बन गई है। वास्तव में मूलतः आरती वैदिक मंत्रों की, वैदिक मंत्र यदि नहीं उच्चरित हो रहे हो तो पौराणिक मंत्रों की, और यदि वह भी उच्चारण में हमसे नहीं आ रहे हो तब इस सामान्य जो आरती गाते हैं लोग, जय लक्ष्मी माता जय मैया जय लक्ष्मी माता, इसकी आरती की जानी चाहिए। और यह जो बात लोग कह रहे हैं ना कि लक्ष्मी जी चंचला होती है, तो लक्ष्मी जी तो चंचला, आप आरती नहीं करेंगे तो भी रहेगी, आपके आरती नहीं करने से वो अचला हो जाएंगी क्या? लक्ष्मी जी को चंचला कहा है? लक्ष्मी जी एक ही जगह अचला है, भगवान नारायण के श्री चरण कमलों में। क्यों? क्योंकि भगवती लक्ष्मी नारायण की है। मनुष्य को लक्ष्मी का उपयोग करने के लिए कहा गया है, मनुष्य लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। जो मनुष्य लक्ष्मी का उपभोग करने का प्रयास करता है लक्ष्मी उसको उठा करके गड्ढे में फेंक देती है। लक्ष्मी का उपयोग किया जाता है, लक्ष्मी का उपभोग नहीं हो सकता। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती सीता के उपभोग का प्रयास जिस रावण ने किया, देखिए आप लक्ष्मी रूपा सीता जी ने उस रावण को उठा करके कहां फेंक दिया, क्योंकि वह विचित्र था, वह लक्ष्मी से तो प्रेम करता था रावण सीता जी से, और नारायण से द्रोह करता था। अतः लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों का पूजन हमारे यहाँ होता है, गणपति का पूजन होता है। लक्ष्मी जी की पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन या अन्य राजोपचार पूजन, जो पूजा की विभिन्न विधियां हैं, उन सभी में आरती को शास्त्रों ने, पूजा पद्धतियों ने, पूजा के ग्रंथ के संपादकों ने, संकलकों ने आरती का विधान किया है। अतः लक्ष्मी जी की आरती करनी ही चाहिए। जो लक्ष्मी जी की आरती का विरोध कर रहे हैं वास्तव में वे वैदिक सनातन धर्म और हिंदू परंपरा को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, लोगों को भ्रमित करके इस वैदिक सनातन धर्म की सनातन परंपरा में दूषण उत्पन्न कर रहे हैं, जिनसे सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जिन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी की आरती बिल्कुल करनी चाहिए, विधि पूर्वक करनी चाहिए, और ये जो मिथ सोशल मीडिया और हम और जगह देखने को मिल रहे हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि हमें लक्ष्मी का उपयोग करना आना चाहिए, ना कि उनका उपभोग करना। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं अभिजीत शर्मा।
बहुत बहुत नमस्कार।